इतना ही बड़ी बात है, इतनी वाजे सी बात है, इसका हमेशा दर्स होता है, खुतबा होता है, लेकिन फिर भी 80-85% लोग नहीं समझते। अल्लाह के बंदा अपने आप को मानते हैं लेकिन अल्लाह की बंदगी नहीं करते, अल्लाह की बात नहीं करते। नबी को इमाम मानते ज़रूर हैं लेकिन नबी की बातों को रद्द भी कर देते हैं, नबी की सारी बातों पर अमल नहीं करते, वही बातें अमल करेंगे जिनके इमाम के वास्ते से आए। नबी की बातों पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि नबी की बात उनके इमाम की बात के मुआफिक होना, उज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी इमाम है, पेशवा है, सर रहबर सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे नबी की बात। हमारे इमाम साहब ने नहीं फरमाया, अरे तुम्हारे इमाम का भी इमाम थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात के इमाम थे आप, मेराज में आपने तमाम नबियों की इमामत फरमाई, सबको आपने नमाज पढ़ करके सब ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी है। जो बात नबी के हदीस के खिलाफ हो, हर इमाम ने कहा कि उस बात को दीवार पे मार देना, हमारी बात को ना लेना, नबी की बात को लेना। लेकिन आज हम कहते हमारे मुआशरे में अमल नहीं है, हमारे ख़ानदान में अमल नहीं है, हमारे इमाम साहब ने नहीं कहा, हमारे पीर साहब ने नहीं कहा, पीर साहब से पूछूंगा तब अमल करूँगा, अगर वो कहेंगे तब अमल करूँगा। नबी की बात किसी के पूछने की मोहताज नहीं है, क्या उस पर अमल करने के लिए किसी जा करके पूछें, उसे परमिशन लें। क्या नमाज पढ़ने के लिए किसी से परमिशन की ज़रूरत है, रोज़ा रखने के लिए किसी से परमिशन की ज़रूरत है? नहीं, फ़र्ज हो गया आपको करना है, नहीं करेंगे आप गुनहगार होंगे। नबी की बात भी ऐसी है, नबी की बात मिल गई उस पर अमल करना ज़रूरी है। हम अल्लाह के बंदे हैं, नबी के बंदे नहीं हैं। अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे तो उससे पूछे मेरे बारे में, फ़ैनी करीब, मैं बहुत करीब हूँ।